अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग द मॉम लाइफ। क्या हालचाल हैं सबके? मैं उम्मीद करती हूं और दुआ करती हूं कि हर कोई अपने घरों में शादाबाद होगा, टेंशन फ्री होगा और कोविड फ्री होगा। तो जनाब, आज क्या पक रहा है मेरे किचन में? तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए बनाना पैनकेक्स। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो इसमें मुझे चाहिए 1 बनाना, जिसको हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे और डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल लेंगे, ग्राइंडर में या ब्लेंडर में या जिस चीज़ में भी आप इसको ग्राइंड करना चाहें। इसके बाद इसमें जाएगा 1 एग, फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप, चाहें तो स्किम मिल्क ले लें, लो फैट मिल्क ले लें, एलमंड मिल्क ले लें, कोकोनट, जो मिल्क ऑफ योर चॉइस, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसका हमें एक अच्छा सा, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसके बाद हम इसको किसी बोल में या किसी भी प्याले में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पैनकेक मिक्स या फिर ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप के करीब, होल व्हीट फ्लावर, और या फिर अगर आपके पास पैनकेक मिक्स है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देंगे इसको एक अच्छा सा मिक्स, और अगर आपको लगता है कि दूध कम है तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और दूध। स्वीटनेस के लिए हम इसके अंदर डालेंगे हनी, आप लोग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट एंड ब्राउन। अब हम अपना पैन ऑन कर लेंगे और इसके अंदर एक छोटा सा बटर क्यूब डालेंगे, पैन को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम इसका नॉर्मल तकरीबन 1/2 कप के करीब बैटर इसमें डालेंगे और उसको एक साइड से कुक करेंगे। पैन में डालने के बाद इसको इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ इवनली कोट कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं से मोटा हो जाए, कहीं से पतला हो जाए। उसके बाद इसके अंदर आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, कोई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बनाना भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर डार्क चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। क्वांटिटी टोटली आपके ऊपर है, जितना मर्ज़ी आप डालना चाहें इसके अंदर। एक साइड से, नीचे से जब ये कुक हो जाएगा, ऊपर इसके बबल्स आने लगेंगे, तब हम इसको टर्न करेंगे। और ये हमने इसको टर्न किया, नीचे से अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से लाइट ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन, और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पैनकेक्स बना लेंगे और हर दफ़ा निकालने के बाद एक छोटा सा क्यूब बटर का डालेंगे, दोबारा से एक अच्छा सा स्टिर देंगे बैटर को, क्योंकि बैटर थिक होने लगता है। अगर आपको फील हो रहा है कि ज़्यादा थिक हो गया है बैटर, तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए। और उसके बाद दोबारा से सेम प्रोसीजर है, इसको हम बनाएंगे। रेसिपी में आप तकरीबन 4 to 6 पैनकेक्स बना सकते हैं। ये मेरे सारे पैनकेक्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको गार्निश करूँगी बनाना के साथ, ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे और हनी डालेंगे। डेकोरेशन और इसकी जो टॉपिंग है, इट्स टोटली आपके अपनी टेस्ट और मूड के ऊपर है। जो मर्ज़ी फ्लेवर, जो मर्ज़ी सॉस आप डालना चाहें, जो फ्रूट्स आप डालना चाहें, जिनके साथ आप खाना चाहें, इसको आप इंजॉय करें। ये मेरे बहुत मज़े के बनाना पैनकेक्स रेडी हैं, बनाना टॉपिंग और चॉकलेट एंड हनी सिरप के साथ।
मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद है। तो इस ब्रेकफास्ट के साथ मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ऐड किए हैं कुछ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, चीज़। इसके अलावा थोड़े से सॉसेजेस भी मैंने ग्रिल किए हैं। कोशिश करें कि हमेशा अपने ब्रेकफास्ट को बैलेंस रखें, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और कैल्शियम ज़रूर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए और दिन के एक अच्छे स्टार्ट के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फिर थम्स अप दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इंजॉय करें रेसिपीज को मेरे, ट्राई करें, मुझे फीडबैक भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।